खबर रीवा से है, जहां जघन्य वारदात के आरोपी को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल सिटी कोतवाली जिला रीवा में हुई वारदात के आरोपी अभिषेक पाठक उर्फ अब्बू पिता सुरेंद्र प्रसाद पाठक उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम खड्डा थाना सिटी कोतवाली को हत्या एवं अवैध हथियार के अधिपत्य के अपराध में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय द्वारा आरोपी को धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माना, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 100 रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए जुर्माना एवं SC/ST अधिनियम की धारा के तहत आजीवन कारावास एवं 100 रुपए जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा 25वीं के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। आइए कुछ सुनते हैं, जिला अभियोजन अधिकारी SP पांडे ने क्या जानकारी दी। दिनांक 18/2021 को रात करीब 1-2 बजे के बीच मृतक और उसकी पत्नी, ये दोनों रात 9 बजे खाना खाकर रंजन गुप्ता के मकान की छत पर सो रहे थे। ये दोनों जो है मजदूरी करने बाहर से कहीं आए थे। अचानक आरोपी अभिषेक पाठक और एक साथ में बाल अपचारी जो है, ये दोनों छत पे चढ़े और बलात्संग करने के आशय के से इसके साथ प्रयास किए और मृतक जब जग गया तो मृतक के साथ मारपीट किए और चाकू से उसके पेट और सीने में मारा और उसको नीचे धो ढीले से गिर पड़ नीचे और उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद दोनों वहाँ से भाग गए। FIR लिखाएगी मृतक की पत्नी द्वारा और इसके बाद मामला पेश हुआ SC/ST कोर्ट में। SC/ST कोर्ट में इसमें आरोपी अभिषेक पाठक का ट्रायल SC/ST कोर्ट में चला है और जो बाल अपचारी उसका ट्रायल JJ बोर्ड में चल रहा है। यहाँ आरोपी अभिषेक पाठक के संबंध में ट्रायल खत्म हुआ और फैसला सुनाया गया है। उस फैसले में इसको हत्या के मामले में दोषी पाया गया है अभिषेक पाठक को, और अवैध हथियार रखने के मामले में इसको दोषी पाया गया है, और SC/ST एक्ट के तहत भी इसको दोषी पाया गया है और धारा 450 के तहत भी इसको दोषी पाया गया है, और इसको धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 302 के तहत आजीवन कारावास का और धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं SC/ST एक्ट के तहत इसको आजीवन कारावास, इस पर इसको दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। सर, इस पे कुछ शुल्क भी दी? इसमें जो है जुर्माना इस पर लगाया गया है, अलग अलग धाराओं में इस पर जुर्माना भी अधिरूपित किया गया है। इस मामले में मेरे द्वारा पैरवी की गई SP पांडे विशेष लोक अभियोजक और राकेश निगम विशेष लोक अभियोजक, दो लोगों द्वारा पैरवी की गई है और जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में ये मामले की पैरवी की गई है। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।